नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। करण क्या देख रहा है शराब के गिलास में? शराब में शबाब ढूंढ रहा हूँ मैं। शराब में शबाब? मैं कुछ समझा नहीं। ये शराब चढ़ती नहीं और बुलबुल का नशा उतरता नहीं। मतलब ये हुआ तू इस शराब से भरे गिलास में अपनी बुलबुल को ढूंढ रहा है? करेक्ट यार, जब से बुलबुल को देखा है ना उसके साथ उड़ने को मन मचा, बस एक बार मिल जाए। बुलबुल उड़ती चिड़िया है, वो पंखों से नहीं नोटों से उड़ती है, वो भी हजार हजार के। करण की आदत में शुमार है कि जो चीज उसे पसंद आ जाती है वो उसे हासिल करके ही रहता है, और अगर बुलबुल को हजार हजार के नोटों पर उड़ने का शौक है ना तो ये शौक भी करण पूरा करेगा। अच्छा, हेलो। हेलो, हाँ दीदी, मैं करण। हाँ करण, बोल कैसा है तू? मैं ठीक हूँ। और तेरी एग्जाम्स की तैयारी कैसी चल रही है? वो सब परफेक्ट है दीदी, पर क्या करण, बता। दीदी वो सब मुझे नहीं पता कि आप मुझे डॉक्टर बनाने के लिए लाखों रुपए कहाँ से लाती है। शायद आप दिन रात काम करती होंगी, न जाने कैसे। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, पर तू मुझे सबसे पहले ये बता कि बात क्या है। दीदी वो एग्जाम फीस जमा करनी है। फीस? इसमें कौन सी बड़ी बात है, बता कितनी। वो 3 लाख रुपए देने हैं। 3 लाख? हाँ ठीक है, 3 लाख का बंदोबस्त हो जाएगा। ठीक है करण, तू अपना ध्यान रख तू सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। ओके ओके दीदी, बाय। ओके बाय। नमस्कार एकता जी। नमस्ते पांडे जी, आज हमारे ऑफिस में कैसे? बस आपके दर्शन करने चला आया। आपके दर्शन समझो आज का दिन तो अच्छा ही जाएगा। हाँ। पांडे जी आप मुझे एक बात बताइए, मेरे पास ऐसा क्या है जिसे देखने के बाद आपका दिन अच्छा जाएगा? अरे ऐसा कहिए, क्या नहीं है आपके पास? एक खूबसूरती की मूर्त है आप। ये तराशा हुआ बदन, मुझे तो लगता है वो सांचा ही टूट गया होगा आपको बनाने के बाद। पांडे जी। हाँ। ये सब छोड़िए, आप नागपाल जी पेमेंट दे गए हैं आपके लिए,
ये रहा आपका बैलेंस पेमेंट 25,000 रुपए, गिन लीजिए। गिनती गिनते गिनते तो हाँ उम्र हो गई, अब तो वजन से ही पहचान जाता हूँ। ये रहा वाउचर, इस पे आप सिग्नेचर कर दीजिए। हाँ जी अभी किए देता हूँ सिग्नेचर। थैंक यू पांडे जी। ये लीजिए मेरा कार्ड, कभी जरूरत पड़े तो याद कीजिएगा इस पांडे को, खड़ा हो जाऊंगा आपकी सेवा में। जी बिल्कुल पांडे जी। अच्छा बेबी मैं चलता हूँ। बाय बाय। एकता क्या बात है, कुछ परेशानी है तुम्हें? पिछले कुछ दिनों से मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम कुछ परेशान सी नजर आ रही हो। नो सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है। एकता मेरी कंपनी में सिर्फ मुझे परेशान रहने का हक है, मेरे साथ काम करने वालों को नहीं। बोलो एकता आखिर बात क्या है? सर वो एक्चुअली हमें 3 लाख रुपए की सख्त जरूरत है। बस इतनी सी टेंशन? हो जाएगा, मैं दूंगा तुम्हें 3 लाख रुपए। पर एकता एक बात बताओ, अर्जेंट तुम्हें 3 लाख रुपए की क्या जरूरत पड़ गई? सर हमारा छोटा भाई MBBS कर रहा है और 3 महीने बाद उसके एग्जाम्स हैं, इसीलिए हमें 3 लाख रुपए की सख्त जरूरत है। क्या बात है, आई एम प्राउड ऑफ यू, हर भाई को तुम्हारी जैसी बहन मिलनी चाहिए। एकता मैं एक बात सोच रहा हूं, क्यों ना मैं तुम्हारे भाई को अपना साला बना लूं? हाँ पर इसमें तुम्हारी रजामंदी हो तो। पर सर आप तो पहले से ही शादीशुदा हैं। क्या हुआ सर? एकता अब नहीं हूं। समझे नहीं। एकता जब आज से 5 साल पहले मेरी लाइफ में स्ट्रगल चल रहा था तब मैंने शादी की थी।
पर कुछ ही दिनों बाद मेरी पत्नी के मेरे बॉस के साथ रिश्ते बन गए और दौलत की चाहत के कारण वो छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चली गई। मुझे डिवोर्स दे दिया, बॉस से शादी कर। और अब वह अमेरिका में सेटल है। सो सैड सर। इट्स ओके एकता, इट्स ओके। जीवन में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। एकता, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? प्लीज हाँ या ना में जवाब देना। अरे वाह, जिस कंपनी में तू काम करती थी उसी की मालकिन बन गई। नहीं काजल, शायद किस्मत को मेरी खुशियां बर्दाश्त ही नहीं थी। ऐसा क्या हुआ? एक दिन मिस्टर नागपाल घर से ऑफिस आ रहे थे और तभी उनकी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए और उनका एक्सीडेंट हो गया। ओह गॉड। और वहीं उनकी मौत हो गई। मैं जिस चौराहे पर खड़ी थी उसी चौराहे पर चार रास्ते निकलते थे। एक मेरा भाई डॉक्टर बनने जा रहा था और उसकी फीस 3 लाख रुपए। उसकी मुझे सख्त जरूरत थी। तभी मुझे पांडे जी का ख्याल आया और तभी से मैं ये पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ। जिंदगी कब करवट बदल ले किसी को कुछ नहीं पता। चल एकता, मेरा स्टॉप आ गया। चल ठीक है, तू अपना ध्यान रखना, ठीक है? भैया गाड़ी रोक दीजिए, चल बाय। बाय काजल। चल बाय। बाय। बाय।